म्यूजिक से जुड़ी हर बात जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टार पायल वत्स और बेल आइकन को दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने भाव हमारे तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टार पायल वत्स में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप जहाँ पर भी होंगे कुशल मंगल होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपको पता चल गया होगा, आज हम सीखेंगे पंजाबी ढोलक। इसको भांगड़ा ढोलक भी बोलते हैं और बच्चे इस पर बड़ा ही अच्छा डांस करते हैं। उनको बहुत अच्छी लगती है ये वाली ढोलक। जब आप बजाओगे तो जो घर के बच्चे होते हैं उनको बहुत अच्छी लगती है ढोलक। और आपने उनको कहते हुए भी सुना होगा, ऐसे बच्चे गुनगुनाते हैं, डिंग डिंग लक लक, डिंग डिंग लक लक। तो इस पंजाबी ढोलक के यही बोल हैं, डिंग डिंग लक लक, डिंग डिंग लक लक। और शादी विवाह जब हमारे घर में कुछ कार्यक्रम होता है तो उस पर भी अगर आप इसको बजाएं तो बहुत अच्छी लगती है ये ढोलक। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक मेरे संग बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि आपको जल्दी से ढोलक बजानी आ जाए। और फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर आज नए हैं, मैं उनसे यही कहती हूँ कि आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वहाँ पे ऑल का बटन आएगा उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, इतना तो आपने कर ही दिया होगा क्योंकि सिर्फ उंगलियाँ ही हमको चलानी है। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगती है आपको मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करें। और आइए सीखते हैं पंजाबी ढोलक। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट जो था उस पर मैंने आपको ये बताया था, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन चार। तो फ्रेंड्स, ये आज सेकंड पार्ट है। आज हम पंजाबी फुल ढोलक बजाने सीखेंगे और उस पर गाना कैसे गाते हैं ये भी मैं आपको गाने के साथ बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आइए सीखते हैं। आज जो मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं, ये जो ढोलक का बड़ा पार्ट होता है जहाँ पे काला मसाला लगा होता है, इसको हम ढोलक का, इसको हम बेस बोलते हैं। और ये जो ढोलक का छोटा पार्ट होता है इसको हम चाटी बोलते हैं। इस पे जो हमारा हाथ ज्यादातर काम के लिए चलता है उस हाथ को हम इस पे चलाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड पार्ट में क्या सीखना है आपने। यहाँ पे मैंने आपको बताया था बेस पर आपने ऐसे बजाना है, एक दो, तो जो आप यहाँ पे बजा रहे हैं ना ऐसे एक दो तीन, वो ही आपने इस वाले हैंड पे भी दोनों को एक साथ बजाना है। देखिए कैसे, एक दो तीन, 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 एक साथ दोनों हाथों को चलाना है। धीरे धीरे मैं आपको बताती हूँ, एक, और हमेशा जब भी हैंड्स आप अपनी ढोलक पे चलाते हैं तो लूज करके बजाया करो, ज्यादा टाइट हाथ से आपको ढोलक नहीं बजानी है, नहीं तो ढोलक की आवाज दब जाती है, सुनने में बहुत बेकार लगती है। तो ढीले हाथों से आपको ढोलक बजानी है, इस बात का बहुत ध्यान रखा करें आप जब ढोलक बजाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वाले हैंड्स को और इस वाले हैंड्स को दोनों को, चाटी वाला पार्ट जो है, बेस वाला पार्ट है, दोनों पे आपने एक साथ बजाना है ऐसे, एक दो तीन, और जो यहाँ पर है ना चाटी वाला पार्ट है फिर वो यहाँ पर ऐसे बजाना है, चार पांच छह सात आठ, चार पांच छह सात आठ, कैसे, एक दो तीन, फिर चार पांच छह सात आठ, एक दो तीन, चार पांच छह सात आठ। इसको अभी हम फास्ट बजाएंगे, देखना कितनी अच्छी ट्यूनिंग इसकी निकल कर आएगी। पहले आप स्लो स्लो बजाइए कैसे, एक दो तीन, चार पांच छह सात आठ, एक दो तीन, चार पांच छह सात आठ, एक दो तीन, चार पांच छह सात आठ, दोनों को मिला के, एक दो तीन, चार पांच छह सात आठ। अब इसको थोड़ा सा फास्ट कर दीजिए, देखिए कैसे, एक दो तीन, चार पांच छह सात आठ, एक दो तीन, चार पांच,
आपको इजी लगता है आप वैसे ही इसको बजाइए। देखिए कैसे। तो ये थी हमारी पंजाबी ढोलक, जिसको हमने गाने के साथ भी गाया और मैंने आपको वैसे भी बताया काउंटिंग के साथ भी और ढिंग ढिंग लक लक के साथ भी। वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे इजी समझते हैं। आप तो आप अपने हिसाब से बजा सकते हैं। अगर काउंटिंग के साथ आपको इजी लगता है तो आप काउंटिंग के साथ सीखिए, पहले धीरे धीरे बजाइए। पंजाबी ढोलक का फुल पार्ट कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिए और आगे से आगे शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद, जय माता दी।